मूवी जैसे आपने सारी मूवी देखा हुआ है। सिलेबस के रिगार्डिंग मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए उनको इसमें जो स्टडी करना है ना, एक्सपेरिमेंट नर्सरी जो परफॉर्म करने हैं, एक्सपीरियंस हो रही है। अच्छा आज इतनी यहाँ प्रॉब्लम कैसे आ रही है? बाकी कुछ तो अपना वही है, नेटवर्क भी फुल आ रहा है। कैसे रहा सर, तो देखते हैं, अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्टी है, आज अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देखते हैं और जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपका नेटवर्क एक बार चेक करो, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आवाज सही में नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक लैब। इट कंसिस्ट ऑफ द टोटल 8 एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा वन बाई वन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज द प्लॉट गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर विद एंड विदाउट नेगेटिव फीडबैक इन द एमिटर सर्किट एंड डिटरमाइन द बैंडविड्थ प्रोडक्ट एंड गेन एट 1 kHz विद एंड विदाउट नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें अपन को ग्राफ प्लॉट करना होगा, सेमिनल ग्राफ पेपर है ना, और उसके अपन को वैन वेट गेन फ्रिक्वेंसी एक कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पूरा स्टडी करेंगे अपन। ये जितने भी सर्किट्स हैं अपन को ब्रेड बोर्ड पे डिजाइन करेंगे वर्चुअली, करना के लिए सेंड रेगुलेटर है ना, सीरियल रेगुलेटर विथ लाइन एंड लोड रेगुलेशन। तो ये भी अपन स्टडी करेंगे, ये सारे सर्किट अपने ब्लैक बोर्ड पर बनेंगे है ना। नेक्स्ट अपना प्लॉट एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यूजिंग एफईटी है ना। एफईटी को यूज करते हुए अपन को एक एम्पलीफायर बनाना है। स्टडी ऑफ फुल एम्पलीफायर एम्पलीफायर स्टडी इन रेंज ऑसिलेटर एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन आरएनसी। स्टडी ट्रांजिस्टर फेज ऑसिलेटर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन आरएनसी ऑन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड कंपेयर विद द थर्ड डिफरेंस। स्टडी द फॉलोइंग ऑसिलेटर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन ऑसिलेटर। ये टू टाइप्स के ऑसिलेटर अपन को स्टडी करने हैं। एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेटी एंड यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये अपन स्टडी करना। तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट है जो अपन ए लैब में स्टडी करना है। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट अपन ने परफॉर्म करेंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट अपन ब्रेड बोर्ड पर डिजाइन करेंगे, फिर उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी क्या क्या है ना, वो अपन स्टडी करते हैं। फिर जब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी हो जाएगा उसके बाद अपन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ये रिक्वायर्ड द ब्रेड बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिजाइन द सर्किट एंड वी यूज द सीआरओ टू मेजरमेंट पर्पज।
एंड वी ऑल्सो यूज द मल्टीमीटर यू नो फॉर मेजरिंग पर्पस. देर आर थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. इनके अलावा भी हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए. वायर चाहिए, वो एक माइनर रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती है ना. वायर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए होगी है ना. तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं ब्रेडबोर्ड और सीआरओ एंड मल्टीमीटर. ठीक है, ये मेजर रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले अपन बात करें मल्टीमीटर की. ब्रेडबोर्ड देख लेते हैं पहले है ना, हम लोग तीनों स्टडी करने हैं. इसमें तो आपको ब्रेड बोर्ड तो हो रहा होगा. आई थिंक ब्रेड बोर्ड आपने पहले भी यूज किया होगा फर्स्ट ईयर लैंड में. अगर नहीं किया है तो उसकी अपन बेसिक स्टडी कर लेते हैं. ब्रेड बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, ब्रेड, BREAD, ब्रेड बोर्ड. ब्रेड बोर्ड बेसिकली सर्किट डिजाइन करने का काम आता है. जो मेनली सर्किट डिजाइन करना है ना, क्योंकि अगर अपन कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो सर्किट अपन दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. एक तो हमारा पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ना, एक रॉ पीसीबी होता है जिससे सर्किट पहले से प्रिंटेड नहीं होता, लेकिन उस पर अपन सोल्डरिंग करके उसको सर्किट बना सकते हैं. लेकिन जब हम एक तो बेसिक सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो हर बार सोल्डरिंग करना, डी सोल्डरिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना. तो उसी एक्सपेरिमेंट को हमें बार बार डिजाइन करना है, बार बार उसको डी सोल्डरिंग करना है. तो उसके लिए जो इसकी वे है वो है ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करना. अब ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है, इसके जो आपको जो होल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे है ना, वो होल्स हमारे कैसे काम करते हैं, वो कंपोनेंट को असेंबल करने काम आते हैं. अब देखें जो ब्रेड बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड पर जो हमें होल्स जो दिख रहे हैं, अब इसमें जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कैसे होते हैं. जैसे हमारे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट जैसे कंपोनेंट कोई अपन लेके चले, जैसे डायोड है. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही. यस सर बिल्कुल नहीं आ रही है. इस में आ रही है, रह रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई आज.
सबकी बात ही सही नहीं आ रही या फिर पर्टिकुलर कुछ लोगों की प्रॉब्लम है? आती आ रही है सर सभी के पास सर, नहीं। अभी भी ब्लैक हो रही है। ले तो हो सकता है नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, मेरे पास ही दो डिवाइस कनेक्टेड है, मेरी मेरी दूसरी डिवाइस में परफेक्ट आवाज आ रही है। आपके क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। जाओ जो पीसीबी, जो अपना ब्रेडबोर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड कैसे होते हैं? जो आपको दोनों तरफ देखो, यहाँ अपर साइड, यहाँ ये अपर साइड में आपको पॉइंट दिख रहे हैं है ना, ये वाले है ना दोनों तरफ ये पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स आपको लोअर साइड में भी शो हो रहे हैं ये, ठीक है, और मिडिल में भी टू है ये और लोअर साइड में। अब इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, हमें जो सर्किट बनाना होता है तो इसका अपर साइड के जो पॉइंट्स हैं उनके कनेक्शन क्या होते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपस में शॉर्ट होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इस तरह से आपस में शॉर्ट होते हैं, आपस में शॉर्ट हो गए, ये आपस में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारी ये वाली जो रो है ये अपर रो है ना, इन अपर साइड के जो पॉइंट्स हैं उनकी अपर रो आपस में शॉर्ट होती है और ये लोअर रो भी आपस में शॉर्ट होती है। शॉर्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पॉइंट्स का ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 5 पॉइंट को हमने क्या किया, ये शॉर्ट कर दिया नीचे, ठीक है। अब अगर हमें कोई कनेक्शन बनाने हैं तो अगर हम इस पॉइंट से लें तो भी वो सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, दूसरे से लें तो भी कनेक्टेड है, तीसरे से लें तो भी कनेक्टेड है, यानी कि ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ऐसे 5 पॉइंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे ही लोअर साइड में 5 पॉइंट्स हैं ये पॉइंट, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। ये पॉइंट्स कौन से हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले अपर पॉइंट और ये वाले लोअर पॉइंट, ठीक है। अब हमें कोई कनेक्शन करना है, मान लो कि हमने कोई डायोड के कनेक्शन करने हैं है ना, ये हमने डायोड बना लिया और इसको कनेक्ट करना है, तो हम कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एक पॉइंट हम इससे कनेक्ट कर देंगे, एक पॉइंट हम इससे कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ कोई दूसरा सर्किट भी जुड़ रहा होगा, हमें सप्लाई देनी है ना। एक ही कनेक्शन से मल्टीपल पॉइंट्स ले रहे होते हैं तो ये 5 कॉन्फ़िगरेशन का जो 5 पॉइंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे काम आता है, ठीक है। क्योंकि ये 5 पॉइंट्स है वो आपस में कनेक्टेड है लेकिन दूसरे 5 पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, लोअर साइड से, क्लियर है। यानी कि एक तरह से ये जो पॉइंट्स हैं हम इन पर 5 कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। जब वायर, जैसे आपने डायोड देखा होगा, डायोड का जो टर्मिनल है उससे हमें वायर के कनेक्ट, वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डायोड का जो पॉइंट है उसको डायरेक्टली हम यहाँ इंसर्ट कराते हैं इस होल में, जैसे हमें यहाँ कनेक्ट करना है तो इस होल में इंसर्ट करा देंगे, इसमें यहाँ जो ऊपर साइड कनेक्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट करा देंगे, ठीक है ना, यहाँ कनेक्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट कर देंगे। उस पॉइंट को हमें वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वायर हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, जहाँ डिवाइस दूर हो जाए, मान लो यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है और एक कनेक्शन मान लो यहाँ इस दूसरे कॉर्नर पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ दूसरे कॉर्नर पर आ रहा है, तो इतने लंबे उस डिवाइस के टर्मिनल तो होते नहीं है, तो उसके लिए हमने कहा वायर से एक वायर लिया और उसे जम्पर डाल देते हैं दूसरी जगह पे और मान लो यहाँ पर कनेक्ट करना तो यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत पास पास में है और तो उस डिवाइस के कनेक्शन करने तो एक पॉइंट हमने एक पोर्ट में ले लिया और दूसरा पॉइंट लोअर साइड लेना है तो लोअर साइड के पॉइंट में ले लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस डिवाइस के जो टर्मिनल है वही हमारे इंसर्ट हो जाते हैं
और मल्टीपल कनेक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे जो 5x5 पॉइंट्स के कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे लोअर साइड में देखें तो लोअर साइड में जो 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और लोअर साइड वाले 5 पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अपर और लोअर साइड के देखें तो इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे ये वाले लोअर और अपर साइड में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जो लोअर और अपर साइड के जो पॉइंट्स होते हैं, जो 5x5 आपस में कनेक्ट हो गए और ये बाकी जो 5x5 पॉइंट्स के कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले नीचे पॉइंट से कनेक्ट रहेंगे और ऊपर वाले से कनेक्ट रहेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड के ये वाले जो पॉइंट आपस में अपर साइड वाले कनेक्ट रहेंगे और लोअर साइड वाले पॉइंट लोअर साइड से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये ऐसे कनेक्ट हो गए। ये तो हुई अपर एंड लोअर साइड वाले जो पॉइंट, आपको सप्लाई भी यहाँ दिख रहा होगा, टर्मिनल्स आपको सो रहे हैं प्लस एंड माइनस, है ना। ये जनरली मतलब जो पॉइंट्स हैं वो सप्लाई के लिए होते हैं कि हमने कोई पावर सप्लाई ली और इन पॉइंट से कनेक्ट कर दी। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल है हमने दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जो बेसिक सर्किट जो डिजाइन करते हैं, सर्किट हम जो बीच वाले जो पॉइंट है उनमें करते हैं, उनमें कनेक्शन वर्टिकली होते हैं, ठीक है। वो भी 5x5 पॉइंट से कॉन्फ़िगरेशन है। वर्टिकली कैसे होंगे, यानी कि ये वाली जो 5 पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे, ये वाली 5 आपस में रहेंगे, ये वाले 5 आपस में रहेंगे, ये वाले 5 आपस में रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन का इस दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो केवल 5 पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बाकी और किसी चीज का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरे वाले 5 आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तीसरे 5 ऐसे सारे पॉइंट जैसे वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं। लोअर एंड अपर साइड की जो है वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं, और मिडिल वाले जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम सर्किट डिजाइन करना होता है तो ये वाले सर्किट पॉइंट्स एंड में डिजाइन करते हैं और अपर लोअर वाले हम सप्लाई के लिए छोड़ते हैं, या फिर जहाँ पे ज्यादा कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम यहाँ पर इनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से 7 पॉइंट अपर साइड के ये भी 5 5 कॉन्फ़िगरेशन ये वर्टिकली कनेक्टेड रहते हैं, तो इन पर हम सर्किट डिजाइन करते हैं। तो एक क्लियर है रेड बोर्ड, जैसे इनका जो नेम बाई जी ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई जे जो पॉइंट दे रखे हैं, तो एच आई जे ये जो है वो आपस में कनेक्टेड है, यानी ए बी सी डी ई जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है और ये एफ जी एच आई जे आपस में कनेक्टेड है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरह से ब्रेडबोर्ड काम करते हैं, और जब हमें सर्किट इसे बनाना होता है तो हम इनमें पॉइंट्स को यूज करते हुए सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये ब्रेडबोर्ड का काम होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं मल्टी मीटर की, ठीक है। मल्टीमीटर आप सबने वैसे देखे हुए हैं, जानते हो कि नहीं मल्टीमीटर भाई? यस सर। चलो थोड़ा एक बार देख लेते हैं मल्टीमीटर को भी।
ये मल्टीमीटर बहुत बेसिक मल्टीमीटर है जो तो जनरली यूज करते हैं, बाकी और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं मल्टीमीटर में। इसके फंक्शंस के बारे में एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं और इसके दूसरे भी, जैसे ये मल्टीमीटर भी होता है इस टाइप का, इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। ये मल्टीमीटर उसी टाइप का है, ये मल्टीमीटर है, इस तरह का मल्टीमीटर भी आता है, ये सारे मल्टीमीटर भी देखते हैं। क्या इतने सारे टाइप? इतने सारे टाइप का मतलब इनके फंक्शन अलग हो रहे हैं, जो मेक है जो मैन्युफैक्चर है वो अलग होते हैं, उनके हिसाब से उनके डिजाइन है, उनके फंक्शन है डिजिटल और वो सारे फंक्शन ऐड कर रहे थे उस टाइप का रहता है। बाकी तो इनका जो मेन वर्क है वो तो लगभग सबका कॉमन रहता है, कुछ फंक्शन में इनके चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन इस मल्टीमीटर की बात करें तो बेसिक जो फंक्शंस हैं वो अपने कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेजरमेंट के लिए क्या जरूरत पड़ती है, प्रॉप की जरूरत पड़ती है, वायर चाहिए हमें। ठीक है, तो साइड में आपको जो प्रॉप यहाँ जो शो हो रही है ये है ना, जो टू प्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं ना, किस किस पर्पज से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक तो कॉमन पॉइंट होता है जो आपको लोअर साइड ये पॉइंट दिख रहा है, ये है कॉमन पॉइंट है ना, जो लिखा हुआ है कॉमन। उसके ऊपर दो पॉइंट और दे रखे हैं, कॉम पॉइंट को जनरली अपन ग्राउंड पॉइंट भी बोल देते हैं ना, इसे ऊपर दो पॉइंट और दिख रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट हमारा डेडिकेटली करंट के लिए जो सबसे ऊपर है ये वाला पॉइंट, ओनली करंट के लिए है, जिसकी रेंज जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, जो दूसरा जो मिडल पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं है ना, और रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं है ना, तो और बाकी जो फंक्शंस हैं वो हम सब ये मिडल वाले पॉइंट पे मेजर करते हैं। अपर पॉइंट ओनली करंट के लिए है, लोअर पॉइंट कॉमन है। अब इस मल्टीमीटर को हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं या इस ऑफ पॉइंट, तो ये ऑफ पॉइंट जानते हैं मल्टीमीटर को ऑफ करने के लिए होता है, सप्लाई ऑफ करने के लिए होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डीसी वोल्टेज है ना, सबको मार्क रहता है ना, मार्क मीन्स उधर साइन बना हुआ होता है, डी के साथ में यहाँ पर ये आपको शो हो रहा होगा, एक डॉटेड लाइन और एक शेड लाइन आपको शो हो रही है, तो ये लाइन हमारे क्या शो करती है, डीसी को शो करता है और भी वोल्टेज को, यहाँ से हम वोल्टेज मेजर करते हैं। अब उस वोल्टेज के लिए भी अलग अलग रेंज दे रखी है। ठीक है, रेंज में सबसे पहले हमारे जो मिनिमम रेंज है वो 200 मिली वोल्ट, फिर 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 1000 वोल्ट, ये इसमें रेंज दे रखी होती है। ये सारे रेंज किसके लिए है, डीसी वोल्टेज के लिए। जब हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो हम इस अकॉर्डिंग हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट, जैसे अपन को अनवन वोल्टेज है कोई और हमें नहीं पता है कि वो कितना वोल्ट होगा, लेकिन उसका एक रफ आइडिया है हमारे पास कि ये अप्रॉक्स 200 के आसपास होगा या 20 के आसपास होगा या 10 वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हमारे पास है, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि कितना है, एग्जैक्ट तो हमें मीटर करना है। ठीक है, तो उस रफ आइडिया से हम क्या करते हैं कि उसकी जो रेंज है उससे थोड़ा अपर साइड चलते हैं। जैसे मान लो हमने देखा कि उसका जो वोल्टेज है वो 200 के आसपास होगा, लेकिन वो आसपास की हम बात करते हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें रेंज इसे 200 की भी दे रखी है,
और 1000, उसे अपर रेंज है 1000, तो हम क्या करते हैं उसे अपर रेंज से लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हुआ तो वो अपर रेंज में मेजर होगा, उस एग्जैक्ट रेंज में तो वो मेजर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे अपर रेंज हम लेके चलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है हमारा है ना, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे किस पे, 1000 पे। तो यहाँ से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट रेंज रखी है ना, उनकी यूनिट्स यहाँ लिखी हुई होती है, वो एम्पियर में, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम में है, वोल्टेज की हम बात कर रहे तो ये वोल्ट में था है ना, और फिर इसकी जो रेंज दे रखी थी 200 m, मतलब 200 मिली वोल्टेज में दिखाई, 200 मिली, 2000 मिली, 20 वोल्ट, ऐसे करके ऐसे रेजिस्टेंस की भी रेंज दे रखी है। तो ये ओम में है तो 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम है ना, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, जो भी रेजिस्टेंस की रेंज हो गई। उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका रेजिस्टेंस वो शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी रेंज उससे ज्यादा हो। जैसे मान लो आपने 200 सेलेक्ट कर लिया, अब उस जो कंपोनेंट की आप रेजिस्टेंस चेक करना चाह रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है 200 से, तो वो आपका कुछ भी शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर रेंज में जाना पड़ेगा, 2000 सेलेक्ट करेंगे, अगर 2000 की रेंज में होगा तो ठीक है, वो बता देगा वैल्यू, अदरवाइज कुछ नहीं बताएगा, तो फिर उससे भी अपर हमें जाना पड़ेगा, उस हिसाब से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपना कंटिन्यूटी चेक करने का, कंटिन्यूटी चेक करने का मीन्स कोई सर्किट है वो हमारा कनेक्टेड है या नहीं है, या कहीं से ब्रेक हो रखा है, ओपन हो रखा है, तो हम यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, हमारे जो प्रोब है उन प्रोब को दोनों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, अगर हमें चेक करना है तो है ना, मल्टीमीटर के ये काम कर रहा है नहीं कर रहा पॉइंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों प्रोब हैं, ये जैसे दोनों पॉइंट हैं इस प्रोब के, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से एक बीप की आवाज आती है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। फिर जब हमें किसी चीज की चेक करना होता है, सर्किट का कंटिन्यूटी चेक करना होता है, तो उन दो टर्मिनल पे इन दोनों प्रोब्स को कनेक्ट कर देते हैं। अगर वो सर्किट आपस में कनेक्टेड होगा तो ये बीप की आवाज करेगा, तो क्लोज सर्किट मिल रहा है उसको, अगर वो सर्किट ओपन होगा तो हमें यहाँ से बीप की आवाज नहीं आएगी, बीप की आवाज नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो सर्किट कहीं से ओपन है, ब्रेक हो रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये स्पायर सिग्नल के लिए अगर आप है ना कोई सिग्नल चेक करना चाह रहे हैं तो किस तरह का है, तो इस है ना एस एफ ई अपना ट्रांजिस्टर की क्वालिटी चेक करने के लिए आता है, यानी कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में पीएनपी एनपीएन जो पॉइंट आपको शो हो रहे हैं, तो एनपीएन और पीएनपी जो पॉइंट शो हो रहे हैं, यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी टाइप का है, एनपीएन टाइप का है, या फिर उनके जो क्वालिटी है, जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, है ना। वैसे तो हर ट्रांजिस्टर पे एक मार्क बना हुआ था, एक नोट बनी हुई आती है, उस नोट से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा बेस होगा, कौन सा कलेक्टर होगा, कौन सा मीटर होगा, बट फिर भी हमारे समझ में नहीं आता है तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं उनके टर्मिनल्स को। तो जब टर्मिनल्स को चेक करते हैं तो उस समय हमें ये एचएफई पे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है एम्पियर करेंट, करेंट का रेंज जो आपको रेड रेड जो शो हो रहा है, ये है ना, ये जो शो हो रहा है, ये कब सेलेक्ट करते हैं हम, जब हमें करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर की रेंज में जाना है, यानी हाई करंट फ्लो होगा, तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी मैंने आपको बताया कि जब हमारा लो करंट होता है तब हम इस पॉइंट को कॉमनली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है ना, उस रेंज को जैसे ये क्रॉस करेगा, इसकी रेंज अप्रोक्स होती है 200 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 200 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो हमें 10 एम्पियर की रेंज में जाना पड़ता है, अगर 200 मिली एम्पियर से कम करंट है तो हमारा ये इस पॉइंट से ही मेजर कर सकते हैं, जिससे हम वोल्टेज मेजर कर रहे थे, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, ठीक है। कुछ मल्टीमीटर में ये पॉइंट अलग आते हैं डेडिकेटली, वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए ये अलग पॉइंट आता है, और करंट के लिए अलग पॉइंट आता है,
है ना, कुछ कुछ मल्टीमीटर अकॉर्डिंग टू फंक्शन है ना, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। वो भी हम अभी देखेंगे कौन कौन से मल्टीमीटर में कैसे दे रखे हैं ना। तो यहाँ पर 10 एम्पीयर की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और वो करंट अपन मीटर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है मिली, जो एम्पीयर की जो रेंज है वो मिली एम्पीयर, 200 मिली एम्पीयर, ठीक है। तो अगर करंट की रेंज 200 मिली एम्पीयर से कम है तो हम ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। इसमें से कौन सी रेंज है, 200 मिली एम्पीयर है, 20 मिली एम्पीयर है या माइक्रो में है, तो जो भी रेंज हमारी रिक्वायर्ड होगी वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 रेंज दे रखी है। उसके बाद है वोल्टेज। अब ये कौन सा वोल्टेज है, एसी। अगर हमें एसी वोल्टेज को मीटर करना है तो हमें इस पॉइंट पर जाना पड़ेगा, ये रेंज हमें सेलेक्ट करनी होगी, है ना। इसमें से रेंज हमारे 2 रेंज दे रखे हैं, 200 वोल्ट और 750 वोल्ट, ये 2 रेंज दे रखी है। इन 2 रेंज में से जो भी हमारा वोल्टेज है, अगर जैसे मान लो 200 से ज्यादा है तो हम 750 की रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जनरली 22-30 वोल्ट जो आता है उसको अगर हमें मेजर करना है मल्टीमीटर से, तो 200 से ज्यादा है तो ज्यादा है तो हम 750 की रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे मल्टीमीटर के फंक्शन थे। अब अगर जैसे हम दूसरे टाइप का मल्टीमीटर देखें, ना ये जो मल्टीमीटर है वो अभी अपने जो स्टडी किया वही मल्टीमीटर है, एबीसी टाइप का मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर है, हमारे फंक्शंस वही है ना। देखो यहाँ पर इस मल्टीमीटर में मिडिल में हमें एक कॉमन पॉइंट दे रखा है, राइट साइड जो पॉइंट आपको शो हो रहा है वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, करंट है ना, उसके लिए दे रखा है। और लेफ्ट साइड के जो पॉइंट है 10 एम्पियर वो डेडिकेटली करंट के लिए है ना। इसमें भी जो फंक्शन है, जो पॉइंट है इसके, अगर हम लेफ्ट साइड से चले तो फर्स्ट पॉइंट है इसके ऑफ के बाद में वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये जैसे मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर में ये हमारे जो कॉमन पॉइंट है ना, ये आपको जो सो रहा है कॉमन पॉइंट, ये पॉइंट हमें डेडिकेटली नहीं, कॉमन मतलब एक कॉमन है वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, फ्रीक्वेंसी के लिए। और जो लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है 10 एम्पीयर, ये डेडिकेटली करंट के लिए है, ठीक है। जो कि अपन ने प्रीवियस मल्टीमीटर में भी देखे थे, इनमें भी वही फंक्शन है। हमें अगर डीसी वोल्टेज को मेजर करना है तो ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, एसी वोल्टेज को मेजर करना है ये वोल्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें रेंज नहीं दे रखी, केवल टाइप में दे रखा है किस चीज को, किस पैरामीटर को हमें मेजर करना है। इसकी जो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, तो रेंज के लिए हमें जो फंक्शन पॉइंट दे रखा है यहाँ से इसको प्रेस करके वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक करना है तो इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी मेजर करना है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो लास्ट पॉइंट आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी का उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इस मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन आ गया कि फ्रीक्वेंसी को भी हम मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमें यूज क्या करना होता है, एक कॉमन पॉइंट लेना होता है
और दूसरा हमें वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस और करंट फॉर स्मॉल रेंज, ये हमें पॉइंट हमें लेने होते हैं। इन दोनों के बीच में जहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है वह हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। करंट माइक्रोमेट मेजर करना है तो ये कले और उसको आपको होल्ड करके रखना है कि कितनी वैल्यू आई है, तो आप होल्ड वाला बटन दबा देंगे मैक्सिमम कोई भी आपकी जो रिजल्ट लिए हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, तो वो आप इस मैक्सिमम वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस मल्टीमीटर में करें तो ये वर्क करता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर की जो बेसिक फंक्शन है वो लगभग सबके कॉमन रहते हैं, बस अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर कुछ उनकी वर्किंग थोड़ा चेंज हो जाती है कि वहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट दे रखा है या किसी में कोई फंक्शन ऐड हो जाता है या किसी में फंक्शन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। ये थे अपने मल्टीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी लैब एक्सपेरिमेंट के लिए, वो है सीआरओ। सीआरओ बेसिकली होता क्या है सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर में खूब यूज किया है सीआरओ। बता सकते हो भाई फुल फॉर्म क्या होती है सीआरओ की? सर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वेरी गुड। हमारा जो सीआरओ है वो सीआरओ की फुल फॉर्म होते कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ट्यूब लगी होती है ना, एक ट्यूब होती है जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करने का काम करती है ना, जिसे अपन बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी है ना, और वो ऑस्किलेशंस को मेजर करने के काम आता है। तो कैथोड रे ऑस्किलेटोस्कोप हमारा यूज कहा होता है इसका, हमें जैसे किसी अननोन सिग्नल कहीं से मिल रहा है वो सिग्नल के बारे में जानना है कि वो सिग्नल कैसा है, किस साइज का होगा या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना मैग्नीट्यूड का है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उस सिग्नल को हमें मेजर करना है तो सीआरओ का यूज करते हैं। अभी सीआरओ क्या करता है कि वो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कराता है, मेजरमेंट तो आपको देगा ही लेकिन मेजरमेंट के साथ साथ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी करता है, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंट से हम उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं कि इस सिग्नल की मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो वहां से देख भी सकते हैं हम कि वो सिग्नल का नेचर क्या है, ठीक है। इसका यूज हम इंजीनियरिंग में है ना, मेडिकल में, डिफेंस में है ना यूज करते हैं इसको। मेडिकल में जैसे अगर बात करें बेसिकली मेडिकल में कहाँ यूज हो रहा है ना, एप्लीकेशन तो बहुत सारे मेडिकल में भी डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट रेट मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस यूज होती है ना, देखी होगी आपने मूवीज वगैरह में, हॉस्पिटल्स में जब किसी कोई एडमिट होता है तो वहाँ पे उंगलियों पे लगा के रखते हैं, देखा ना मूवी वगैरह में देखा होगा ना हमने, तो उसमें हार्ट बीट चलती रहती है ना, एक ऑस्किलेशन आते रहते हैं, जब तक ऑस्किलेशन आते हैं मतलब धड़कन चल रही है, जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है इसका मतलब कोई ऑस्किलेशन नहीं है, तो है ना देखा ना तुमने
जो डिवाइस होती है जो रिप्रेजेंट करती है उन ऑसिलेशंस को, वो सीआरओ ही होता है। अब सीआरओ जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, एक ही शेप का हो, दिखने में एक जैसा ही लगे, है ना। उसका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन रिक्वायर्ड, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकता है ना। मेडिकल में यूज करते हैं तो वहां पर कुछ अलग तरीके का हो सकता है दिखने में, है ना। लेकिन इसका जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन वर्किंग है, वो सेम रहती है कि वो ऑसिलेशन को मेजर करता है, ठीक है। अब वो जब अपन अपने लैब में जो सीआरओ यूज करते हैं, है ना, वो सीआरओ कैसे होते हैं मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ। देख रहे हैं सीआरओ, हेलो, ये सीआरओ है, ये सीआरओ आपने देखा हुआ अभी ये लैब में, हाँ फर्स्ट ईयर लैब में आपने देखा होगा ये, हाँ। तो ये सीआरओ जनरली हम लैब में यूज करते हैं। इनके जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है, हाँ। तो अभी टाइम होगा 12 बजने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। सीआरओ क्योंकि कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम लगेगा इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। तो अटेंडेंस के लिए आपके रोल नंबर।